प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन किस किस तरीके से होता है? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इज प्लांट इज लेस एलोबरेट देन ह्यूमन बीइंग। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन टेकिंग प्लेस इन प्लांट। दैट इज दे टेक वाटर फ्रॉम ग्राउंड, तो वाटर ऊपर जाएगा, और वेयर इट इज गोइंग, इट इज गोइंग टू साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। जहां पर क्या होगा, खाना बनता है। सो वाटर इज गोइंग एट साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, सो दिस इज वाटर। और वाटर को कौन ले जाता है, दैट इज जाइलम। क्या जाइलम एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है? तो जो टिश्यू होती है वो इसको ले जाती है। टिश्यू भी कई तरीके की होती है। एक टिश्यू होती है जो सिंपली डिवाइड करती है, उसको कोई काम नहीं दिया जाता है, उसका क्या नाम है? मेरिस्टमेटिक टिश्यू। प्लांट में कौन कौन सी टिश्यू होती हैं? मेरिस्टमेटिक, तो वो सिर्फ क्या होती है, डिवाइड एंड ग्रो, डिवाइड एंड ग्रो। ये कहाँ पाई जाती है, क्या शूट की टिप में पाई जाती है और रूट की टिप में पाई जाती है? बोलो, टिप ऑफ रूट एंड शूट, या फिर इंटरकैलरी नोड में पाई जाती है, जो प्लांट की मोटाई बढ़ाती है। और दूसरी कौन सी होती हैं जिनको स्पेशलाइज्ड होती है, कोई ना कोई काम दिया जाता है, उन टिश्यूज को क्या कहते हैं बताएं? यस, पढ़ा हुआ है ना 9th में, क्या कहते हैं? परमानेंट टिश्यू। सो परमानेंट टिश्यू दूसरी तरीके की होती हैं। नाउ अनीशा, कौन कौन सी दो तरीके की परमानेंट टिश्यू हैं? सिंपल परमानेंट, और दूसरी कौन सी हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल में कौन सी तीन तरीके की होती हैं? कॉलेनकाइमा, पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्लेरेनकाइमा। तो जो थोड़ी लूज टाइप होती हैं, जैसे तरोई है, लौकी है, तो उन सब की जो पैकिंग है उनको क्या कहेंगे, पैरेनकाइमा। और लेकिन दूसरी कौन सी हैं, कॉलेनकाइमा, जो लीफ के पिटियोल में होती हैं। जैसे ये पिटियोल है, ये हार्ड होता है क्या, या मिड रिब, लीफ का मिड रिब वो हार्ड होता है, तो उसमें जो होगी वो कॉलेनकाइमा। तीसरी कौन सी होती है, जैसे नारियल का खोल जो डेड शेल्स की होती है, उनको कहते हैं क्या है, स्लेरेनकाइमा। तो इस तरीके से ये सब किसी भी प्लांट को मजबूती देती हैं, इनका काम है, दे गिव मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट। जबकि कॉम्प्लेक्स टिश्यू के कौन से दो टाइप हैं? कॉम्प्लेक्स टिश्यू के दो टाइप हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। नाउ अब देखो, ये चीज हमने देखी कि देयर आर जो प्लांट टिश्यू है, मेरिस्टमेटिक है, जो फास्ट ग्रोइंग है, इनको कोई काम नहीं दिया गया है। दूसरी परमानेंट है। परमानेंट में एक सिंपल है जो सिर्फ वन काइंड ऑफ सेल की बनी है। सिंपल टिश्यू किसकी बनी होती हैं, वन काइंड ऑफ सेल्स की बनी होती हैं। और जबकि कॉम्प्लेक्स कैसी बनी होती हैं, क्या मोर देन वन काइंड, मोर देन वन काइंड। तो उसमें जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है वो जाइलम है। जाइलम में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, तो जाइलम इज मेड अप ऑफ विच काइंड्स ऑफ सेल? एक होता है जाइलम वेसल, नेक्स्ट इज ट्रैकीड, हाँ ट्रैकीड और जाइलम फाइबर, और एक और क्या होगा, सो इट इज दीज आर द फोर टाइप्स ऑफ सेल ऑफ विच इट इज मेड। नाउ जाइलम पेरेनकाइमा, अच्छा इसमें जो फ्लोएम है वो कौन कौन सी चीज की बनी हुई है? सो फ्लोएम इज, हाँ सीव ट्यूब है, और उसके अलावा कंपेनियन सेल,
सेल और दैट इज पैरेन्काइमा, फ्लोएम, पैरेन्काइमा फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। नाउ अब ये तो बात हमने देख ली कि ये किसकी किसकी बनी हुई होती हैं। प्लांट में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें क्या क्या काम होता है, लेट अस सी। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्क। एक पहला काम क्या है कि वाटर को साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस तक पहुंचाना, सो दिस वर्क इज अकम्प्लिश्ड बाई जाइलम टिश्यू। और दूसरा, व्हेन फूड इज प्रिपेयर्ड देन फ्रॉम साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इट इज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स टेक्स प्लेस इन प्लांट्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट takes place in plants। पहला कौन सा है, that is transportation of water from soil या roots to leaves। leaves को क्या कहा जाता है, क्या site of photosynthesis है, जहां पर खाना बनता है, या इसे पौधे की रसोई कहा जाता है। और दूसरा क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। जब वहां खाना बन गया तो क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो इसमें जो प्लांट के लीव्स तक पहुंचाना पानी का, क्या ये यूनिडायरेक्शनल है, क्योंकि ये तो पानी नीचे तो नहीं पहुंचाया जाएगा, ये कहां पहुंचाया जाएगा, ऊपर। सो इट इज यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ वाटर। और जो खाना बना है उसे कहां कहां पहुंचाया जाएगा, लीव से सब जगह पहुंचाया जाएगा, इधर भी पहुंचाया जाएगा, हर सेल तक पहुंचाया जाएगा और नीचे भी पहुंचाया जाएगा। तो इट इज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इज मल्टी डायरेक्शनल, उसे सब जगह पहुंचाना है, क्योंकि हर सेल को जरूरत है किसकी, खाने की। सो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड ये कैसा होगा, इज मल्टी डायरेक्शनल, ये चीज होगी। नाउ अब हम देखेंगे कि प्लांट में अगर हम क्रॉस सेक्शन करें तो उसमें क्या क्या चीज मिलेगी। मान लीजिए आपने किसी स्टेम को क्रॉस सेक्शन कर दिया, तो उसके क्रॉस सेक्शन से आपको क्या दिखाई पड़ेगा, क्या वेस्कुलर बंडल है जो कि उसका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। तो इस तरीके के वेस्कुलर बंडल होंगे, देयर आर वेस्कुलर बंडल इन प्लांट्स। और उसमें क्या चीज अरेंज है, जाइलम और फ्लोएम अरेंज है क्या। सो दीज आर वेस्कुलर बंडल इन प्लांट्स। लेट अस सी दैट वेस्कुलर बंडल इन प्लांट्स कि ये किस तरीके से दिखते हैं। सो हाउ दीज वेस्कुलर बंडल लुक्स लाइक, जैसे कि ये देखो, किसी सब्जी में अगर आप देखो तो वेस्कुलर बंडल ऐसे दिखते हैं, दीस आर द वेस्कुलर बंडल्स। समझ में आया, कोई भी चीज आप देखोगे अगर क्रॉस सेक्शन करोगे तो उसमें आपको ये वेस्कुलर बंडल दिख जाएगा। ये दिख रहा है, बीच में दैट इज अ पिथ है। बीच में क्या होता है कि मेरिस्टमेटिक टिश्यू है जो लगातार ग्रो करती रहती है, उनको कोई काम नहीं दिया गया। और यहाँ पे लिखा है देखो वेस्कुलर बंडल, ठीक है। तो वेस्कुलर बंडल और भी अगर आप देखना चाहें तो किसी किसी में इस तरीके से दिखेगा, दिस इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ वेस्कुलर बंडल। तो
प्लांट के क्रॉस सेक्शन में यू कैन ईजिली सी द वेस्कुलर बंडल, कभी कभी आपको ऐसा भी दिख जाएगा। तो देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ वेस्कुलर बंडल्स, ठीक है। सो इन डिफरेंट प्लांट्स वेस्कुलर बंडल्स, और कभी कभी बिखरे हुए भी रहते हैं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक अरेंजमेंट हो। और अगर एक वेस्कुलर बंडल देखोगे तो ऐसा दिखेगा। सो वेस्कुलर बंडल का इस तरीके का शेप रहता। अब देखो, नाउ हाउ एवर इट इज, जो भी हमारे प्लांट्स हैं उनमें ये कईयों में तो प्रॉपरली अरेंज पाया जाता है। वेस्कुलर बंडल में जो अंदर है, कुछ कुछ पोर्शन आपको याद रखने हैं कि इसी वेस्कुलर बंडल में जो सेंटर में है वो बहुत फास्ट ग्रोइंग है, वो पिथ है, वो मेरिस्टमेटिक यानी नई सेल का बना हुआ है। फिर इसके अलावा यहाँ पर जो हर वेस्कुलर बंडल के अंदर है वो क्या है, क्या जाइलम है, और बाहर में क्या है, फ्लोयम है, ठीक है, और बीच में कैम्बियम सेल है। यानी अब एक वेस्कुलर बंडल के बारे में देखो, दिस वन वेस्कुलर बंडल। तो वन वेस्कुलर बंडल के बारे में अगर हम देखेंगे, सिर्फ इतना सेक्शन कट कर लो, इतना सेक्शन इसका कट कर लो, तो इतना सेक्शन अगर आपने कट कर लिया, नाउ इट लुक्स लाइक ये। तो बाहर में एयर के आने जाने के लिए ट्राइकोम होगा, और इसके बाद इसमें वैक्सिक्यूटिकल भी होगा। वैक्सिक्यूटिकल किस लिए होगा, हाँ क्यूटिकल, क्योंकि आउटर मोस्ट लेयर को। फिर इसमें यहाँ पर भी बहुत सारा एक तरीके का एपिडर्मिस है, जो आउटर है। एपिडर्मिस एक आउटर डर्मिस है, आउटर स्किन है, और एपिडर्मिस के बाद क्या आएगा, एपिडर्मिस के बाद बीच में आती है, जैसे हम लोगों में हाइपोडर्मिस है, वैसे इनमें मीजोडर्मिस है। मीजोडर्मिस आने के बाद अब यहाँ पर क्या आएगी, ठीक है, एंडोडर्मिस भी आ जाएगी, छोटी छोटी रहेगी। तो तीन चीज़ें यहाँ आ गई, क्या क्या चीज़ें आ गई, एपिडर्मिस, और फिर एपिडर्मिस हो गई ये, दैट इज नाउ ये देखिए कि सबसे बाहर तो आपका ये क्यूटिकल है, वैक्सिक्यूटिकल। वैक्सिक्यूटिकल के बाद इसमें बहुत सारी इस तरीके की सेल हैं। तो ये जो भी हैं इसमें सबसे बाहर वाली एपिडर्मिस है, और एपिडर्मिस के बाद क्या है, एपिडर्मिस, और बीच में मीजोडर्मिस या हाइपोडर्मिस कहा जाता है, और जो अंदर वाली है उसे क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड एंडोडर्मिस। ये वाली जो सारी चीजें, इन्हें क्या कहेंगे, एंडोडर्मिस। इतना होने के बाद अब इसके अंदर वेस्कुलर बंडल है, तो अब यहां पर नाउ देयर आर जाइलम। तो जाइलम में वाटर होता है तो मोस्टली उसको ब्लू कलर से दिखाते हैं, क्योंकि वो वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। और फिर उसके बीच में, जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या होगा, दैट इज कैम्बियम सेल। सो इट इज ए काइंड ऑफ कैम्बियम सेल। तो कैम्बियम दिखा दीजिए, वो सेपरेट करती है जाइलम और फ्लोएम को। हाउएवर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर ऑलवेज टेक्स प्लेस बिटवीन देम। और फिर उसके बाद ये फ्लोएम है, तो इट इज अ वेस्कुलर बंडल। तो ये जो हमने डायग्राम देखा, इट इज ऑफ वेस्कुलर बंडल। बाकी को आप फिल कर सकते हैं, तो मेड्यूलरी रे से ये फिल रहेगा चारों तरफ। तो अब हमें इसमें ये लोकेशन पता चल गई। बताओ, ये बात बताइए कि बाहर में फ्लोएम क्यों है और अंदर में जाइलम क्यों है। बाहर में फ्लोएम है, इट इज फ्लोएम, ये जाइलम नहीं, इसको इसको लिखो फ्लोएम, और इसको क्या लिखो, जाइलम। तो आउट, तो इसको हम चेंज कर देंगे, इसका कलर चेंज कर देंगे। बाहर में, बाहर में क्या है बताइए,
बाहर में फ्लोएम है और अंदर में जाइलम क्यों है? यानी इवोपरेट नहीं होगा, जिससे कि ये इवोपरेट ना हो इसके अंदर का पानी, तो सबसे इनर रीजन में वाटर फ्लो करता है। अदरवाइज जब सनलाइट पड़ेगी तो पानी सारा इसका लॉस हो जाएगा। तो दिस इज वैस्कुलर बंडल। और सबसे अंत में क्या है यहाँ पर, ये क्या चीज है? ये पिथ है। पिथ किसका बना है? न्यू सेल्स का, जिसको क्या कहते हैं? मेरिस्टमेटिक टिश्यू। अब हमारे पास ये सारी चीज हो गई। लेट अस कम टू जाइलम, कि जाइलम दिखने में किस तरीके का होता है एंड जाइलम क्या क्या काम करता है। नाउ जाइलम कंसिस्ट ऑफ, इसमें इट कंसिस्ट्स ऑफ ट्रैकीड्स। ट्रैकीड्स जाइलम वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा। And xylem fiber, इन सब से मिलके बना है। अब xylem देखो कि किस तरीके से होगा। So let us see xylem। Xylem में क्या क्या चीजें हैं? Xylem में सबसे पहली बात है कि एक ऐसी चीज है जो पूरी खुली हुई है, इसमें से पानी जा सकता है। ये पूरी ऊपर से नीचे तक टू एंड फ्रो है, थ्रू एंड थ्रू है, तो पानी इसमें से जा सकता है। सो यहाँ पर इसमें ये कहा जा सकता है कि नाउ जाइलम पेरेन्काइमा इसमें क्या होती है? तो जाइलम पेरेन्काइमा इसमें लाइव सेल्स है, बाकी सारी डेड है। तो अब जरा देखो कि एक तो ये हो गई, और इसके बगल में कौन सी होगी? ट्रैकीट। ट्रैकीट क्या करेगी? क्या उसमें भी छोटी छोटी पिट होंगी? तो ये हो गई ट्रैकीट, और ये क्या हो गई? क्या ये जाइलम वेसल हो गई? क्या जाइलम वेसल उसी तरीके की होगी जैसे हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रॉ से पेप्सी पीते हैं? ये बिल्कुल उसी तरीके की है क्या? और इसके बगल में ऐसी न जाने कितनी और जाइलम वेसल होंगी, एक दो नहीं और भी ज़्यादा भी हो सकती हैं। और इनके बगल में यहाँ पर जो जाइलम वेसल है, तो इसके बगल में इसको नरिशमेंट करने के लिए, क्योंकि इनमें सेल तो है नहीं, इनके बगल में कौन होगा बताइए? सो इट इज पेरेन्काइमा। यहाँ पे जो इस तरीके से इसके चारों ओर है, जो इसका नरिशमेंट कर रही, वो कौन है? जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम पेरेन्काइमा। इसमें न्यूक्लियस भी होगा। अच्छा, इसके बगल में इसको और मजबूती देने के लिए ये सब क्या है? क्या जाइलम फाइबर है? तो ये जाइलम फाइबर है। तो इस तरीके से वी कैन सी कि ट्रैकीट्स होंगी। व्हाट आर दिस जाइलम वेसल्स मेड फॉर? जाइलम वेसल क्या करेंगी? ट्रांसपोर्ट वाटर इन वर्टिकल डायरेक्शन, डायरेक्शन। जबकि ट्रैकीट क्या करती हैं? दीज आर ट्रैकीट्स। तो ट्रैकीट पिट लाइक स्ट्रक्चर है। तो इनका काम क्या है? क्या ये इससे वाटर एब्जॉर्ब करके हॉरिजेंटली फ्लो कराती हैं? बोलो, पानी क्या हॉरिजेंटली मूवमेंट भी चाहिए? कभी जरूरत पड़े इसमें कम हो जाए तो इससे फिर वापस ले लेंगी। तो एक तरीके का ये स्टोर हाउस है। ट्रैकीट में हॉरिजेंटल जाएगा और हॉरिजेंटल भी डिफ्यूजन ये करा सकती है मूवमेंट। अदरवाइज जाइलम कैन टेक वाटर फ्रॉम दिस। तो इसमें भी पिट है और इसमें भी पिट है। पिट का मतलब होल्स। सो ट्रैकीट्स किस लिए हैं? Now, trachytes are for horizontal movement of water. Horizontal movement of water और किस लिए चाहिए बताइए? क्या xylem से ये पानी phloem तक भी जाना है? क्योंकि phloem में तो चीनी चीनी है, कार्बोहाइड्रेट। अगर उसे पानी नहीं मिलेगा तो phloem ट्यूब swollen कैसे होगी? फूलेगी कैसे? और फूलेगी नहीं तो उसमें प्रेशर कैसे जनरेट होगा?
और प्रेशर नहीं जनरेट होगा तो फिर ट्रांसलोकेशन कैसे होगा। तो यहाँ से पानी इसमें जाता है ऑस्मोसिस की वजह से, क्योंकि यहाँ चीनी है तो जहाँ चीनी रहेगा, किशमिश के अंदर पानी चला जाता है क्या बताओ, बाहर अगर पानी है तो? और उसमें पानी चला जाएगा तो क्या वॉल में प्रेशर जनरेट हो जाएगा किशमिश की वॉल में या इसी तरीके से फ्लोइंग की वॉल में, और वो उस शुगर को ऊपर नीचे भेजेगी क्या? तो इसमें जब फूड आता है तो फूड में पानी पहुंचता है और पानी की वजह से उसमें जो है एक शुगर सिरप बन जाता है, और इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होता है कि ऊपर और नीचे ये भेज दिया जाता है अंडर प्रेशर। इस चीज़ को ट्रांसलोकेशन कहते हैं। जबकि वाटर का ये जो मोमेंट है यहाँ पर हो रहा है, ये किस वजह से है? यही चीज़ ऊपर लीफ में चली जाएगी, और लीफ में अगर पानी बाहर निकलेगा तो क्या पीछे वैक्यूम क्रिएट होगा? जब आप स्ट्रॉ से हवा खींचते हो तो क्या पीछे वैक्यूम आ जाता है और उस हवा को भरने के लिए पेप्सी ऊपर चढ़ती है? जब पहला सिप लेते हो तो आखिर क्या खींचते हो स्ट्रॉ से? सीधा तो पेप्सी आ नहीं जाती, पहले क्या खींचते हो? तो उसी तरीके से प्लांट्स में से जो उसमें रिमेनिंग वाटर है, जब प्लांट छोटा है तभी से पानी जाने लगा और प्लांट धीरे धीरे बड़ा होने लगा, जैसे जैसे पानी जाने लगा तो पीछे क्या क्रिएट होने लगा? क्या वैक्यूम क्रिएट होने लगा? और उस वैक्यूम को भरने के लिए क्या वो रूट से खींचेगा पानी सॉइल से? तो इट इज ए काइंड ऑफ मैकेनिकल प्रेशर क्रिएटेड विद इन जाइलम विच मेक्स पॉसिबल टू राइज वाटर अप टू 100 मीटर हाई। जो ऐसे ऐसे पेड़ हैं बहुत 100-100 मीटर के ऊंचे भी होते हैं, जैसे साइकस हो गया, पाइनस हो गया, कश्मीर में जाके देखो कैल्प हो गए, तो ऐसे ऐसे पेड़ हैं तो वहाँ पर 100-100 मीटर ऊंचाई तक पानी चला जाता है, वैक्यूम में इतनी शक्ति है। तो वो इट इज़ बाई ट्रांसपीरेशन। तो अब हमने देख लिया कि जाइलम वेसल क्या करती हैं, वर्टिकल करती हैं, और जबकि ट्रैकीट्स क्या करेंगी फॉर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ वाटर। अनीशा हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ वाटर किस लिए चाहिए? यश बताओ किस लिए चाहिए? अरे हॉरिजॉन्टल किस लिए चाहिए, यहाँ से यहाँ क्यों जाना है ट्रैकीट में? ये तो वैसल हो गई। हॉरिजॉन्टल किस लिए चाहिए? ये ट्रैकीट है, ये टैपर्ड है, स्पिंडल टाइप। मैं पूछ रहा हूँ इसमें क्यों चाहिए, इसमें छेद है, बोलो सीजन। फ्लोएम तक जाना है, क्योंकि फ्लोएम तक नहीं जाएगा तो फिर वहाँ पर ऑस्मोसिस नहीं होगी, तो एक तरीके से प्रेशर क्रिएट नहीं होगा, खाना वहीं का वहीं रह जाएगा। और इसमें भी छोटे छोटे छेद होते हैं। अच्छा तीसरी चीज क्या है? दैट इज जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा किस तरीके का होगा? ये इस तरीके का होगा और ये न्यूक्लिएटेड होगा। जाइलम टू एंड फ्रो है, बस ये पाइप है, जैसे आपके घर में पानी की पाइप होती है जिससे कूलर भरते हो, बस ये वैसे ही है। तो दिस इज, ये क्या है बताइए? दिस इज जाइलम पैरेन्काइमा, और इसमें क्या है, क्या न्यूक्लियस है, और क्या ये लाइव है, और ये ट्रैकीट कैसा है, क्या ये डेड है, और जाइलम वेसल कैसा है, ये डेड है, और ये फाइबर कैसे हैं, क्या ये डेड है और ये लाइव है? बात समझ में आ गई? तो अब इसमें क्या करता है, जो जाइलम फाइबर है वो क्या करेगा? इट गिव्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ। कभी भी किसी स्टेम को तोड़ो, नेट स्टेम को, तो क्या उसमें फाइबर जैसा, रेशा जैसा निकलता है? स्ट्रेंथ टू प्लांट क्या परमानेंट? परमानेंट में अब जैसे कि हमने आपको दिखा दिया ये, तो यहाँ पर परमानेंट में सिंपल परमानेंट है, तो जो स्लेरेन्काइमा है उसमें लिग्निफाइड है, इसकी वजह से डेड है, ये दोनों जीवित हैं। जैसे कोकोनट का बाहरी खोल, तो ये इसमें डेड है।
अब इसमें जो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से न्यूक्लिएटेड हैं, तो इसमें पेरेंट काइमा लाइव है और बाकी तीन कैसे हैं बताओ, डेड। और ये कैसा है, लाइव। और अच्छा इसमें क्या है, फाइबर कैसा है, क्या डेड है, और बाकी तीन कैसे हैं लाइव। तो इसमें और इसमें अंतर है, अभी हम डिफरेंस भी लिखा देंगे कि तीन लाइव एक डेड है, इसमें तीन डेड है एक लाइव है। अब ये देखो कि फाइबर समझ में आ गया, और कंपेनियन सेल क्या करता है, इट मेंटेन्स अदर थ्री काइंड्स ऑफ सेल। कंपेनियन सेल मेंटेन्स अदर थ्री काइंड ऑफ सेल्स, टाइप्स ऑफ सेल, क्योंकि उनमें वियर होगी, टूट फूट होगी, तो उनको ये मेंटेन करेगा। नाउ लेट अस सी हाउ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दीज थिंग्स टेक्स प्लेस। तो लेट अस सी द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैरेन्काइमा। कंपेनियन सेल ना लिखो, इट इज पैरेन्काइमा ओनली। सो कंपेनियन सेल न्यूक्लिएटेड है, इट इज लाइव सेल, तो इट इज पैरेन्काइमा। अब देखो ये तो हमने चारों टाइप देख लिए, तो नाउ लेट अस सी ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। Plants require raw materials, like in the previous section we have learned about transportation in human beings. Now, let us learn transportation in plants. As we have discussed earlier, plants prepare their own food using simple compound inorganic sources, such as CO2, water, along with some raw materials, and photosynthesize energy in the presence of sunlight and stored in the chlorophyll of leaves. The plants require raw materials like soil, nitrogen, phosphorus, and other minerals to build their bodies. The plants absorb raw materials from soil with the help of roots, which are in contact with the soil. If distance between soil, root, and chlorophyll is more, energy needed is less. 19 टाइप्स के रॉ मटेरियल्स चाहिए, तो जिसमें से कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, कुछ जो है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, यानी इतने तरीके के न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को चाहिए। तो वो सब कहाँ से लिए जाते हैं, इट इज़ ऑल टेकन फ्रॉम सॉइल। सो सॉइल से ये सारे लिए जाते हैं। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ रखा है कि प्लांट से क्या क्या लिया जाता है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो कुछ चीज़ें हैं जो बहुत थोड़ी मात्रा में चाहिए। तो नाइन्थ में आपने पढ़ रखा है कि कौन कौन से 19 टाइप्स हैं, दीज ऑल आर नीडेड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मैग्नीज, बोरॉन, जिंक, कॉपर, मॉलिब्डिनम एंड क्लोरीन। जिंक किस में ज़्यादा होता है, मिर्च, मिर्च जो लोग खाते हैं समझो जिंक खाते हैं, जिंक की भी ज़रूरत है बॉडी को। अब देखो एंड रॉ मटेरियल्स कैन इजीली डिफ्यूज इनटू ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट बॉडी। If distance between soil, root and chlorophyll is large, it needs much need water. Let us come to xylem. Phloem So xylem or is transported into plants through roots. These can only be transported through the water carrying tubes. Now let us see ये xylem किस तरीके का है। So xylem के बारे में आप देखें, how is the xylem made of? तो जाइलम में आप ये देख रहे हैं कि बिल्कुल थ्रू है, जिस जो पाइप हम कह रहे हैं जैसे कूलर में ट्यूब लगाई जाती है ना, वैसा ही है क्या बताओ, ये पानी की ट्यूब बोलो पाइप। अच्छा इसके बगल में ये क्या दिख रहा है आपको, ट्रैकीट दिख रहा है, तो ट्रैकीट टेपर्ड टाइप होता है। और इसके साथ साथ यहाँ बहुत सारे फाइबर्स भी हैं और कहीं कहीं कंपेनियन सेल भी है। तो ये जो न्यूक्लिएटेड है वो सब कंपेनियन सेल है, ये भी न्यूक्लिएटेड है, ये कंपेनियन सेल है, ये भी न्यूक्लिएटेड जिसमें न्यूक्लियस है। ट्रैकीड ये वाला है, ट्रैकीड आपको दिख रहा है ना, टेपर्ड, बुक के हिसाब से भी अगर आप देखेंगे तो ये टेपर्ड है ये चीज, और बीच में इसमें फाइबर्स होगा, तो ये दिस इज जाइलम। अब देखो तो जाइलम में इन चारों से होता है, मेनली पानी का जो है जाइलम वेसली करती है। इन अब द आगे देखो स्टेम हाँ
also known as xylem. Products of photosynthesis prepared in the leaves are to be transport tissue in plants. Both vessels and tracheids consist of thick cell walls. Tracheids are single cell shorter in length, whereas vessels are several celled and much longer than tracheids. In xylem, vessels and tracheids of roots, stem and leaves are interconnected to facilitate continuous water conduction system to all parts of plant. The water transport upwards against force of gravity with the help of xylem vessels. In the movement of water upwards, plants have two types of structures: more concentration of water and root has less concentration. Steadily or continuous movement. अब हम आगे देखते हैं जाइलम से कैसे होगा. यहाँ से देखो. Through leaves creates suction or root pressure pulls water upwards through xylem cells of root. Thus, the losses of water through stomata of leaves are replaced by suction of water through xylem vessels of the leaf. तो यहाँ suction हो रहा है. It also helps in temperature regulation. Loss of water at stomata, इसे क्या कहते हैं? Loss of water at stomata, कुनाल इसको क्या कहते हैं? जो water, it is called transpiration. Transpiration generates, वो क्या generate करता है? Vacuum. And by that vacuum, water rises several meter high. ये चीज़ है. During the day, transpiration helps in conduction of water through xylem vessels and maintains balance of ions between root and soil. During nights, root pressure occurs due to difference in phloem is another conducting tissue in the transport of roots. The structure of phloem consists of conducting cells. Now, let us see what is phloem looks like. तो phloem कैसे दिखता है, इसे देखो. बहुत ध्यान से देखो, क्या इसमें ऐसी चीज दिख रही है जैसे बहुत इसमें छोटे छोटे छेद हों. ये छेद दिख रहे हैं? प्लेट और बड़ा करके देखो, क्या इसमें ऐसी दिख रही है जैसे चलनी होती है, आटा चालने वाली चलनी? तो ये क्या होता है कि इट इज फॉर ट्रांसपोर्टेशन इन ए कंट्रोल्ड मैनर. फूड ऊपर से सीधा नीचे नहीं गिर जाता. तो इट इज सीव ट्यूब और इसमें सीव प्लेट लगी है. सीव प्लेट कैसी होती है? इट इज हैविंग सम काइंड ऑफ सीव्स. सीव प्लेट का मतलब चलनी होती है. सो दिस इज लाइक यहाँ पर ये दिख रही है. अच्छा, ये क्या है बताइए? ये सीव ट्यूब है, सीव प्लेट है. इसके बगल में कहीं पे क्या होगी? कंपेनियन सेल होगी और कहीं पर क्या होगी? जाइलम पैरेन्काइमा होगी और साथ ही साथ कहीं पर जाइलम फाइबर होगा. वो सब इसी से कंस्टिट्यूटेड है. दैट कैन नॉट बी सोन सेपरेटली, बट ये सारी चीज़ें इसमें हैं. अब देखो, सीव एलिमेंट्स व्हिच आर थिक सर्कुलर एंड एलोंगेटेड सेल्स. द फूड दैट इज सिंथेसाइज्ड इन फोटोसिंथेसिस are soluble products like sucrose and nutrients, carbohydrates, etc. A transport triphosphate produced by from soil to roots. Now, let us move ahead with phloem ka kya structure hoga, that we will see. तो नाउ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, हाउ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस इन प्लांट, ये क्वेश्चन पूछा जाता है. सो लेट अस राइट हाउ ट्रांसपोर्टेशन टेक्स प्लेस.
नाउ इन एपिडर्मिस ऑफ लीव, एपिडर्मिस ऑफ लीव्स देयर आर टाइनी पोर्स, ठीक है, कॉल्ड स्टोमेटा, जो कि गार्ड सेल से सराउंडेड रहते हैं, स्टोमेटा. सो देयर इज लॉस ऑफ वाटर टेक्स प्लेस थ्रू दीज स्टोमेटा, थ्रू दीज स्टोमेटा अंडर सनलाइट, सनलाइट की वजह से होता है. दिस इज कॉल्ड, सो और ये जो लॉस ऑफ वाटर टेक्स प्लेस थ्रू दिस स्टोमेटा एज वाटर वेपर, ये कैसे होता है, वाटर वेपर निकलती है. दिस इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन कॉजेस, ट्रांसपीरेशन कॉजेस सक्शन, इसकी वजह से सक्शन क्रिएट होता है. ट्रांसपीरेशन कॉजेस सक्शन इन जाइलम वेसल एंड वाटर राइजेस, और साथ में क्या करता है, एंड क्रिएट्स वैक्यूम इन जाइलम वेसल. सक्शन तो क्रिएट करता ही है, और साथ में क्या है, लीव्स वैक्यूम. टू फिल दिस वैक्यूम वॉटर एंड मिनरल्स आर एब्सॉर्ब्ड बाई रूट्स फ्रॉम सॉइल. तो फ्रॉम सॉइल से ये वाटर्स एंड मिनरल एब्जॉर्ब होते हैं एंड डायरेक्टेड अपवर्ड. सॉइल एंड डायरेक्टेड अपवर्ड, और कहां तक, अप टू लीव्स. सो ये चीज होती है. और अगर मान लो अगर आपकी पेप्सी ऊपर तक आ गई है और आपने स्ट्रॉ में हाथ लगा दिया तो क्या होगा, क्या पेप्सी ऊपर चढ़ी रहेगी कि उतर आएगी, चढ़ी रहेगी, स्ट्रॉ पे ही रहेगी. सो ड्यूरिंग नाइट स्टोमेटा क्लोजेस एंड दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर स्टॉप्स. फिर जब खुलेगा फिर पानी निकलेगा और फिर से वो प्रोसेस होगा. समझ में आ गई कि नहीं. सो ड्यूरिंग नाइट, जब सनलाइट नहीं होती है, दिस ट्रांसपीरेशन, क्योंकि उस समय खाना तो बनाना नहीं है, तो ट्रांसपीरेशन स्टॉप्स एज जो ये गार्ड सेल क्लोज हो जाती हैं, क्लोजेस एंड इस तरीके से, ठीक है, और वो जो भी चीज जहां की है वो वहीं रहती है. अब आपको समझ में आ गया कि ट्रांसपीरेशन कैसे होता है. नाउ अब हम देखेंगे ट्रांसलोकेशन. गार्ड सेल, जैसे ये स्टोमेटा, हम ये नहीं कहेंगे कि स्टोमेटा क्लोज हो गया. वास्तव में जो गार्ड सेल होती हैं, वो गार्ड सेल के बीच का जो ओपनिंग है उसी को स्टोमेटा कहते हैं. तो ये स्टोमेटा है. गार्ड सेल जब चिपक जाए तो स्टोमेटा है ही नहीं. सो द ओपनिंग और वॉइड बिटवीन गार्ड सेल इज कॉल्ड स्टोमेटा. समझ में आ गई बात आपको. तो हम क्या कहेंगे, क्या क्लोज हुआ, क्या स्टोमेटा क्लोज हुआ. स्टोमेटा तो खाली जगह है, जैसे आपके आंख के बीच में खाली जगह है जिससे रोशनी अंदर जाती है, वो प्यूपिल है. तो प्यूपिल थोड़ी ना क्लोज होगी, खाली जगह थोड़ी क्लोज होती है. वास्तव में आइरिस क्लोज होती है तो प्यूपिल बंद हो जाएगी. समझ में आई बात. तो हमने क्या लिखा, गार्ड सेल. ये चीज क्या है बताइए, क्या ये गार्ड सेल है,
बताइए, वो तो पढ़ चुके हैं ना आप शुरू में कि नहीं पढ़ा? ये तो पीछे आपको बताया हुआ है। तो लेट अस मूव टूवर्ड्स ट्रांसलोकेशन नाउ, गार्ड सेल। तो यू कैन सी कि इस तरीके से नाउ ये गार्ड सेल दिखाई गई है, आप इसमें देख लें। ये जो भी साइड में बीन शेप्ड है यही गार्ड सेल है। सॉइलेंट गार्ड सेल क्लोज्ड, तो जब ओपन है तो स्टोमेटा। अब देखो ट्रांसलोकेशन किसे कहते हैं। नाउ देयर आर, इस तरीके से ये सीव प्लेट है और सीव प्लेट के दूसरी तरफ क्या होगा, क्या फिर से सीव प्लेट होगी? इसमें थ्रू एंड थ्रू नहीं है, तो ये सीव ट्यूब है। एंड सीव ट्यूब के चारों तरफ क्या है, तो सीव ट्यूब है और सीव ट्यूब के यहाँ पर कंपेनियन सेल है और कंपेनियन सेल है और पैरेन्काइमा। कंपेनियन सेल आप देखिए, ये है कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल भी न्यूक्लिएटेड है और फिर इसके अलावा इसमें फाइबर है और इसी में एक तरफ ये जो है पैरेन्काइमा है। जैसे जाइलम में पैरेन्काइमा थी, बिल्कुल इस तरीके से लॉन्ग स्लेंडर सेल, लंबी लंबी सेल। तो इस तरीके से ये क्या है बताइए, दिस इज कंपेनियन सेल। और ये क्या है इधर पे, क्या ये पैरेन्काइमा है? अगर आप कंपेनियन सेल को देखना चाहते हैं, सो ये जो है स्पिंडल शेप्ड है, ये कंपेनियन सेल है। और अगर आप पैरेन्काइमा को देखना चाहते हैं तो कैसा होगा, पैरेन्काइमा इस तरीके की है, ये लॉन्ग स्लेंडर टाइप। स्लेंडर का मतलब पतली पतली और ये टैपर्ड का मतलब नुकीली, स्पिंडल शेप्ड। स्पिंडल का मतलब क्या होता है, स्पिंडल ऐसा होता है नोक शार्प, और टैपर्ड का मतलब है कि यहाँ और यहाँ से नुकीली और बीच में मोटी, टैपर्ड एंड स्पिंडल शेप। समझ में आई बात? और ये सिलेंडर है, सिलेंडर का मतलब क्या होता है, क्या पतली? ओके, और इसके अलावा सीव ट्यूब तो देख लिया और जाइलम फाइबर कैसे होगा, ये फ्लोएम फाइबर, क्या यही चीज है? सीव ट्यूब तो समझ गए हो ना, तो इट इज नाउ कॉल्ड, ये फाइबर है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें बताओ डेड कौन सी है, बाकी सारी न्यूक्लिएटेड है और सब सेल वाली है। अब इसमें क्या होगा, हाउ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन प्लांट्स? सॉरी ट्रांसलोकेशन, ट्रांसपोर्टेशन भी बोल सकते हो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, जिसे कि ट्रांसलोकेशन भी कह सकते हैं, कि एक जगह से दूसरी जगह तक लोकेट करना, उसको कहते हैं ट्रांसलोकेशन। फूड टेक्स प्लेस इन प्लांट्स, मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। तो मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स, लीव्स क्या है, क्या प्रकाश संश्लेषण की वो साइट है, दैट इज साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, वहीं पर तो खाना बनता है, वो रसोई है फोटो सिंथेसिस। तो पहले वहाँ कच्चा माल पहुँचाया गया, जब खाना बन गया तो खाना सब जगह पहुँचाया गया, पहले सब चीज़ पत्तियों तक पहुँचाई गई खाना बनाने के लिए, खाना बन गया तो बना बनाया खाना पेड़ में सब जगह पहुँच रहा है। सो मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट
इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। क्या जो ट्रांसपीरेशन था वो प्योरली फिजिकल प्रोसेस था और उसके लिए किसी एनर्जी की जरूरत नहीं थी? क्या ये प्योरली मैकेनिकल था और इसके लिए ये क्या एक केमिकल प्रोसेस है और इसमें एटीपी एनर्जी चाहिए? सो इट इज अ केमिकल प्रोसेस एंड रिक्वायर्स, ठीक है, एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी। कंट्रेरी टू ये जो भी है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, इट इज मल्टी डायरेक्शनल, बोथ वे चलता है। खाना तो सब जगह जाएगा, ऊपर भी जाएगा नीचे भी। क्या पत्तियों के ऊपर स्टेम नहीं होती हैं और नीचे नहीं होती हैं? सो इट इज मल्टी डायरेक्शनल और हॉरिजेंटल भी जाएगा। मल्टी डायरेक्शनल यूनि डायरेक्शनल नहीं है, शनल ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, एंड रीचेस अप टू ईच सेल ऑफ प्लांट एंड ट्रांसपोर्ट फूड। फूड का मतलब यहां स्टार्च चाहिए, टू ईच सेल ऑफ प्लांट। अब जरा देखो कि यहां क्या होगा, व्हेन इन एनी ऑफ द सीव ट्यूब, किसी भी सीव ट्यूब में शुगर के पार्टिकल आ जाएंगे तो क्या होगा? मान लो यहाँ पे शुगर पार्टिकल आ गए, तो ऐसी स्थिति में इट क्रिएट्स एन ऑस्मोटिक प्रेशर एंड वाटर मूव्स फ्रॉम नियर बाई जाइलम वेसल्स टू इट। वाटर इसमें आ जाएगा तो इसमें अब वाटर के मॉलिक्यूल भरने लगेंगे। क्यों? क्योंकि शुगर ने यहाँ क्या कर दिया है, क्या ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट कर दिया है? मान लीजिए कि अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर एक जार ले लीजिए और इसमें बीच में आप एक कुकुम्बर या खीरे का पीस रख दें, तो खीरे का पीस आपने रख दिया और यहाँ पर एक तरफ एक चम्मच चीनी मिला दें, तो आप क्या देखेंगे बताओ? कुछ ऑब्जर्व करेंगे कि कुछ भी नहीं? और ये वाटर है, प्योर वाटर, और ये सीरप है, और ये बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। तो क्या होगा? देन इट क्रिएट्स, हाँ बोलो, वाटर विल मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इधर वाटर ज्यादा है कि नहीं बोलो? क्या इधर हाई कंसंट्रेशन नहीं है? यहाँ प्योर वाटर है, सो हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, तो ये उधर जाएगा और अल्टीमेटली बताओ क्या हो जाएगा? क्या उधर पानी का लेवल चढ़ता जाएगा? इधर पानी का लेवल चढ़ जाएगा, इधर इतना रह जाएगा। तो ये चढ़ता ही जाएगा जब तक कि यहां से इतना प्रेशर क्रिएट ना हो जाए कि ये अगले आने वाले पानी को रोक ले, तो फिर ऐसी स्थिति में कहीं तक चढ़ के ही रुक जाएगा। तो ये उसको कहते हैं जो एक्सेस प्रेशर, इतने वाटर ने, भाई ज़्यादा पानी रहेगा तो उसका एक प्रेशर रहता है कि नहीं? सो एक्सेस प्रेशर क्रिएटेड बाय वाटर ऑन दिस हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसी वजह से यहाँ पर पानी चढ़ता जा रहा है शुगर में, तो शुगर भी है और यहाँ वाटर आता गया है, तो ऐसा होगा। ऐसा हम सेल में भी देखते हैं कि किशमिश में पानी भरता चला जाता है। अब जरा देखो, तो हमने क्या देखा कि When food particle comes in sieve tube, जब इस sieve tube में food particle या sugar particle आ जाएंगे तो क्या होगा, या carbohydrate आ जाएगा तो क्या होगा? So when food particles, ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ, are present in sieve tube, ये जस्ट उस चीज की बात मैं कर रहा हूं कि जो लीफ में है, बहुत आगे पीछे की बात नहीं है। नाउ दैट इज फ्लोएम वेसल्स इन लीव्स,
यू कैन जो लीफ में है वहां की बात देखो, लीफ में आप देखिए, व्हिच वाटर एब्जॉर्प्शन इट इज नोन एज एपोप्लास्टिक पाथवे. इन सिम्प्लास्टिक पाथवे द वाटर एंड मिनरल्स मूव अक्रॉस द साइटोप्लाज्म एंड फाइनली रीचेस द जाइलम. आप जरा देखिए, अलोंग नैरो हॉलो ट्यूब्स कंटेनिंग नो लिविंग मटेरियल. The xylem transports water and soluble mineral nutrients from the roots to other parts of a plant. About 95% of the water absorbed is lost through the stomata present in the leaves. This process is known as transpiration. Sirf 2% water se khana banta hai, 98% water stomata se loss ho jata hai. Aap samajh sakte hain. इतना पानी दोगे उसमें 2% का ही खाना बनेगा, बाकी ट्रांसपिरेशन से पहुंचाने में खत्म हो जाता है. The number of stomata is more on the lower surface of leaves. If transpiration happens throughout the day, then there will be a great loss of water. This is controlled by the stomatal opening and closing mechanism. During the daytime, water enters into the guard cells along with the potassium ions. This brings about a change in the shape of the guard cells and the stoma opens. During the night, the potassium ions and water molecules leave the guard cells. Thus, the turgidity decreases and the stoma closes. Stomata also act as main sites of gaseous exchange in plants. Leaves make use of water and the carbon dioxide for photosynthesis. Glucose formed during photosynthesis is transported to the other parts of the body through phloem cells. जब ये बना अब ये सब जगह ग्लूकोज जाएगा. ये है, यहाँ से देखो फ्लोएम में अब जाएगा. Phloem tissue consists of less specialized and nucleate parenchyma cells, sieve tube cells, and companion cells. Transport of food in phloem can be up or down the stem to reach all parts of the plant. Hence, companion cells. Transport of food in phloem. यहाँ पर आप देख लो कि ये इसमें आपको ये दिख रहा है sieve plate. Sieve plate दिख रहा है ये, और ये glucose के particle दिख रहे हैं. तो यहाँ पर ये चीज दिखाई जा रही है. Can be up or down the stem to reach all parts of the plant. Hence, the transportation in plants is the function of xylem and phloem cells. तो अब जरा देखें, इसमें फिर भी ज्यादा नहीं बताया, अब मुझे बताना पड़ेगा. तो now we will see. Now फिर भी जाइलम के बारे में थोड़ा बहुत तो बताया है, ज़्यादा तो नहीं बताया. लेट अस सी कि किस तरीके से ये काम होता होगा. तो आप ये तो समझ गए कि फ्लोएम लीव्स तक भी जाएगा. व्हेन फूड पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन सीव ट्यूब, तो फूड पार्टिकल जब सीव ट्यूब में प्रेजेंट होंगे, देन ड्यू टू ऑस्मोटिक प्रेशर. क्या मैंने आपको ऑस्मोटिक प्रेशर बता दिया कि क्या होता है, कि इसकी वजह से पानी इधर जाता है और तब तक जाता रहेगा जब तक इस एक्स्ट्रा लेवल की वजह से पानी का जाना रुक नहीं जाएगा. तो इधर ये नहीं है कि पानी पूरा पानी भर दो, इससे प्रेशर पड़ेगा. तो इसका प्रेशर और इसका प्रेशर जब इक्वल हो जाएगा तो पानी का जाना रुक जाएगा. समझ में आई बात की नहीं? ये एक्स्ट्रा लेवल इस पर प्रेशर डालेगा और ये इधर से पानी आना चाहेगा. दो प्रेशर अगर दोनों तरफ से हाथ एक दूसरे पर चिपके हों तो ये हाथ इधर जाएगा कि इधर की कहीं नहीं जाएगा. तो इसी तरीके से इस वाटर का प्रेशर और इधर का प्रेशर जब दोनों इक्वल हो जाएगा फिर और पानी नहीं जाएगा. तो व्हेन फूड पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन सीव ट्यूब, देन क्या होगा? ड्यू टू ऑस्मोसिस. अगर ऑस्मोटिक प्रेशर ना समझ में आए तो ऑस्मोसिस लिख दो, ट्वेल्थ में समझ में आ जाएगा. ड्यू टू ऑस्मोसिस वाटर एंटर्स.
फ्रॉम जाइलम कहां से इंटर करेगा, जाइलम टू फ्लोएम, और अब अगर इसमें वाटर इंटर कर गया तो क्या ये फूल जाएगी, ऐसे हो जाएगी ये, बताओ, ये ऐसे फूल नहीं जाएगी, इसमें पानी आ गया, बताइए। एंड इट एग्जर्ट प्रेशर ऑन साइड वॉल्स, और अगर फूल जाएगी तो अपनी साइड वॉल पे प्रेशर डालेगी, और इन टर्न साइड वॉल एग्जर्ट प्रेशर ऑन इट, तो जब ये साइड वॉल पे प्रेशर डालेगी तो वहाँ जगह तो है नहीं, आप वॉल पे प्रेशर लगाओगे तो आपके हाथ पे भी तो प्रेशर आएगा। सो एंड सीव ट्यूब स्वेल्स अप, तो सीव ट्यूब इससे फूल गई, स्वेल्स अप, इट एग्जर्ट्स प्रेशर ऑन साइड वॉल्स, इन टर्न साइड वॉल एग्जर्ट एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस, पढ़े हैं कि नहीं नाइन्थ में न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जब ये एग्जर्ट करेगा किसी पर प्रेशर तो उस पर भी प्रेशर आएगा, आप बॉल से मारो दीवाल पे तो क्या दीवाल भी धक्का नहीं मारेगी बॉल को, बॉल वापस आ जाती है कि वहीं चिपक जाती बॉल, तो इन टर्न साइड वॉल एग्जर्ट्स प्रेशर, तो इससे इस पे प्रेशर पड़ेगा साइड वॉल से, और अगर इस पे प्रेशर पड़ेगा तो क्या होगा, क्या ऊपर नीचे से फूट की पिचकारी निकलेगी, सो इट विल गेट ट्रांसपोर्टेड टू न्यू सेल, बोलो क्या न्यू सीव ट्यूब पे चला जाएगा ऊपर और नीचे। सो एंड सॉल्युबल फूड, जो सॉल्युबल फूड है इन वॉटर, गेट ट्रांसफर्ड कहाँ चला जाएगा, टू एडजेसेंट ट्यूब्स, सीव ट्यूब एडजेसेंट, और इस तरीके से धीरे धीरे ये चलेगा, ये एक स्लो मूवमेंट है, एडजेसेंट ट्यूब सीव ट्यूब में चला जाएगा, सीव ट्यूब ये है। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलोकेशन, बोलो बात समझ में आ गई कि साइलम और फ्लोएम कैसे करते हैं। नाउ देयर इज वन मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइलम एंड फ्लोएम, लेट अस सी डिफरेंस बिटवीन साइलम एंड फ्लोएम। अकॉर्डिंग टू लीडो लर्निंग साइलम इज द कॉम्प्लेक्स टिश्यू ऑफ प्लांट्स। ओके नाउ क्लास डेली अटेंड करनी है, क्लास नहीं अटेंड करेंगे तो फिर पैसा आपका जितना है वो ले लीजिए जो बचा हुआ है, क्योंकि फिर बाद में हमारी जिम्मेदारी, हमारा नाम खराब होता है, फिर हमारे पास और कोई तरीका नहीं बचता है पढ़ाने का। ओके जाइलम एंड फ्लोएम, ओके जाइलम कैरीज वाटर फ्रॉम रूट्स टू लीव, जाइलम कैरीज water from roots to leaves, ये xylem करेगा, और phloem क्या करता है, carries food from leaves to growing, अगर किसी के यहाँ कुछ नया chapter शुरू होता है तो वो हमें intimate कर दे, हम उसके नंबर पर उसके वीडियोस भेज देंगे तो उससे उसको हेल्प मिल जाएगी और जो क्लास के चैप्टर्स हैं वो समझ में आएंगे, तो मेरी तरफ से वीडियो पहले से ही बने हुए हैं एंड दे आर इक्वली हेल्पफुल, जैसे आप अभी पढ़ रहे हैं बिल्कुल उसी तरीके से समझाया गया है, तो किसी के पास ऐसा अगर स्कूल में नया चैप्टर शुरू होता है SST का, साइंस का, हमें लाइट का स्पेस दीजिएगा, जो भी है आप हमें फ़ोन पर मैसेज कर दो, ऐसे हमें याद नहीं रहेगा, चाहे इकोनॉमिक्स का है, SST का है, किसी भी चीज़ का, आपके यहाँ जो भी शुरू हो रहा है हमको भेज दो, हम आपके नंबर पे भेज देंगे। सो फ्लोएम कैरीज फूड फ्रॉम लीव्स टू ग्रोइंग पार्ट एंड स्टोरेज ऑर्गन,
तो कई बार एक घंटे में उतना नहीं हो पाता है, तो आप लोग आदत डालो। तो फ्रेंच, ये राइज ऑफ नेशनलिज्म इन फ्रांस को हमने 25 घंटे में पढ़ाया है, सो यू कैन रीड दोज नोट्स, उसके उसको गो थ्रू कर सकते हो। तो जब आप पढ़ोगे उसको तो बिल्कुल समझ में आता है आसानी से, फिर वो कभी नहीं भूलोगे। उसमें तो हमने अच्छे अच्छे वीडियो सर्च कर करके डाले हैं, घंटों बैठ के 1 घंटे का वीडियो बनाया है। दे आर बेटर देन दिस। इसमें तो हम देखते हैं कई बार हमें वीडियो मिलता नहीं है। इस तरीके से किसी भी चैप्टर का है, आप एक एक चीज़ उसमें देखिए, तो पढ़ेंगे बस, यू जस्ट गो थ्रू दोज, आपको पता चल जाएगा, इट आपका बिल्कुल प्रिपेयर हो जाएगा। सो फ्लोएम कैरीज फूड फ्रॉम लीव्स टू ग्रोइंग एंड स्टोरेज ऑर्गन्स। और ये कहाँ ले जाता है? ये रूट से लीव ले जाता है, और ये लीव से सब जगह ले जाता है, एंड ऑल पार्ट्स। अब देखो ये किसका बना होता है? एक्सेप्ट फ्लोएम पेरेन्काइमा, एवरीथिंग इज अदर सेल्स आर डेड, एक्सेप्ट जाइलम पेरेन्काइमा। ये जो वेसल्स हैं, ट्रैकीट्स, और तीसरी चीज क्या है, फाइबर, ये सब कैसी होती हैं? डेड। और इसमें क्या है, एक्सेप्ट फाइबर, फाइबर के अलावा अदर सेल्स, कौन कौन सी अदर सेल्स हैं? जैसे सीव, ट्यूब, पैरेन्काइमा एंड कंपेनियन सेल्स, सब लाइव हैं। सेल्स, पैरेन्काइमा एंड कंपेनियन सेल ये मेंटेनेंस के लिए हैं। तो बहुत ज़्यादा अगर आप जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इनका क्या काम है। ठीक है, कोई बस ये मेंटेनेंस के ही काम में है, ज़्यादा इसके बारे में लिखा नहीं है कि इनका क्या क्या काम है, फिर भी मैं बता दूंगा अभी आपको। मेंटेन करती है सीव ट्यूब को। तीसरी चीज़ क्या है, इसमें सेल वॉल कैसी होती? कोई प्रेशर की तो ज़रूरत है नहीं, तो इसकी जो जाइलम है तो सेल वॉल कैसी होंगी? थिन होंगी। और जबकि इसकी सेल वॉल कैसी होती है? थिक होगी, क्योंकि ये एग्जर्ट करती है प्रेशर। जाइलम की सेल वॉल थिक होगी और इसकी सेल वॉल थिन होगी। रीज़न क्या है? ये तो हो सकता है वैक्यूम की वजह से हो, ये थिक होगी कि वैक्यूम पैदा होता है तो कहीं वो कोलैप्स ना कर जाए, इस वजह से होता होगा, और सॉइल से खींचना पड़ता होगा पानी, और ये थिन होती है। दोनों मेंटेन रखती, मैं इसमें दोनों में डिफरेंस बता दूंगा इनके स्पेसिफिक जॉब, अभी देख के बताना पड़ेगा। नाउ सेल वॉल इज मेड अप ऑफ लिग्निन। सेल वॉल किसकी बनी है? सेल वॉल इज मेड ऑफ लिग्निन। लिग्निन का मतलब समझते हो? लिग्निन ये एक तरीके का सीमेंट लाइक मटेरियल होता है, जैसे कोकोनट की बिल्कुल जो जूट होती है नारियल के बाद, वो पूरी लिग्निन है, लिग्निफाइड। समझ में आ गई बात? तो इट इज, जो कोकोनट का शेल है वो भी लिग्निन है। तो लिग्निन, सुबेरिन, ये सब प्लांट के एक तरीके के वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, जो प्लांट अपने मैकेनिकल सुरक्षा के लिए, मैकेनिकल स्ट्रेंथ के लिए इस्तेमाल करता है। तो इसकी जो सेल वॉल है जाइलम की, वो कैसी होती है? लिग्निन होती है। क्या जो वुड है, प्लांट के वुड होते हैं, वो उसमें बहुत सारा लिग्निन होगा, क्योंकि अंदर जाइलम ही तो है, लकड़ी ही तो है, वो तो वो लिग्निफाइड है। जबकि इसकी सेल वॉल किसकी बनी होती है? इज मेड ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज किसे कहते हैं? क्या 99.9% सेलुलोज आपने देखा है? क्या है? कॉटन। कॉटन जो होता है, रुई, रुई कितने परसेंट सेलुलोज है? 99.9%। और खीरा कितने परसेंट सेलुलोज है? 95%। तो आप कॉट सेलुलोज अगर कोई पूछे तो आप रुई को कह सकते हो, और लिग्निन पूछे तो नारियल के खोल को कह सकते हो।
सेलुलोज, हम लोग जो कपड़े पहनते हैं वो सेलुलोज है, ये कागज सेलुलोज का बना है, ये लकड़ी सेलुलोज की है जिस पर मैं लिख रहा हूँ, और ये वर्ल्ड सेलुलॉइड है, इसीलिए इस वर्ल्ड को सेलुलॉइड वर्ल्ड कहते हैं, क्योंकि ज्यादातर हर तरफ घास ही घास तो होगी है। अब देखो इस तरीके से नाउ जो जाइलम है उसमें क्या होता है, क्या उसमें ये वाटर इज ट्रांसपोर्टेड बाय ए मैकेनिकल प्रोसेस एंड रिक्वायर्स नो एनर्जी। वाटर इज ट्रांसपोर्टेड बाय मैकेनिकल प्रोसेस एंड रिक्वायर्स नो एनर्जी, और जबकि इसमें क्या होगा, इट इज, हाँ, ट्रांसपोर्टेड, फूड इज ट्रांसपोर्टेड बाय केमिकल प्रोसेस एंड फूड इज ट्रांसपोर्टेड बाय केमिकल प्रोसेस एंड इट रिक्वायर्स एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी, रिक्वायर्स एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी, ये बात है। अब देखो कि इस संडे को जो भी हमारा टेस्ट होगा वो लाइफ प्रोसेसेस का ही होगा, तो लाइफ प्रोसेसेस के जो क्वेश्चंस हैं या मेन मेन पॉइंट है वही पूछेंगे, एसएसटी का नहीं होगा, एसएसटी की खुद तैयारी अभी करिए आप। तो वाइवा होगा लाइफ, हाँ लाइफ प्रोसेस का होगा। सो इट क्या, नहीं टेंसेस का नहीं होगा, सिर्फ लाइफ प्रोसेस का होगा। अच्छा इसमें वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कैसा होगा, क्या वो यूनिडायरेक्शनल है, और जबकि उधर क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन इज यूनिडायरेक्शनल एंड एंटी ग्रेविटी अपवर्ड है, इज यूनिडायरेक्शनल एंड अपवर्ड, जबकि क्या है, इट इज मल्टीडायरेक्शनल, मल्टीडायरेक्शनल क्या, अभी आपने देखा क्या ट्रांसपोर्टेशन जो होता है ऑफ वाटर इज इट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग डे आवर्स, बोलिए, नहीं तो स्टोमेटा बंद हो जाते हैं ना, इन डे आवर्स, इसका मतलब क्या है कि जाइलम फंक्शंस ड्यूरिंग डे आवर्स, इसको दिन में काम है रात को आराम है, इट इज, जबकि ये स्लो प्रोसेस है, सो टेक्स कंटिन्यूअसली, पूरे दिन में खाना ट्रांसपोर्ट ही होता रहता है, सो इट इज अ स्लोअर प्रोसेस, पानी तो तुरंत चढ़ जाएगा एंड टेक्स प्लेस थ्रू आउट डे, धीरे धीरे ऑस्मोसिस होगी, किशमिश भी रखो तो रात भर में फूलती है, प्लेस थ्रू आउट डे, ऐसा होता चला जाता है। नाउ ये चीज है, ये जो है जाइलम का लोकेशन क्या है, इट इज लोकेटेड नियर एक्सिस, इट इज लोकेटेड अवे फ्रॉम एक्सिस, बताओ जाइलम सेंटर के पास है कि फ्लोएम, जाइलम इज लोकेटेड नियर एक्सिस, क्यों एक्सिस के पास है, हाँ तो वो बीच में होगा ना, नहीं तो पानी वाली चीज बाहर हो जाएगी तो सारा पानी उड़ नहीं जाएगा धूप से, हाँ तो जाइलम अंदर ही तो है, इट इज लोक, देखो लिखा भी तो है ना, वही तो बोल रहा हूँ कि जाइलम इज लोकेटेड नियर एक्सिस और फ्लोएम इज लोकेटेड अवे फ्रॉम एक्सिस, वही तो बोल भी रहा हूँ, दूर कौन है बताओ और पास कौन है बताइए, तो वही चीज बता रहे हैं, ये जाइलम है और ये फ्लोएम है,
पानी बाहर रहेगा तो सब उड़ जाएगा ना. फ्लोएम इज लोकेटेड अवे फ्रॉम एक्सिस, एक्सिस भी बोल सकते हो या पिथ भी बोल सकते हो. तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम. नाउ तो हम लोगों ने क्या चीज देख ली कि किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर. एंड ये फूड एंड अदर सब्सटेंस. नाउ देयर आर सम इंटेक्स्ट क्वेश्चंस. इंटेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए. पेज नंबर 110 फर्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्टेड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग. तो हमारे अंदर क्या क्या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, क्या चीजें ट्रांसपोर्ट होती हैं. नाउ ओके द कंपोनेंट्स ऑफ, अभी हमने लिम्फेटिक सिस्टम नहीं पढ़ा, थोड़ा लिम्फेटिक सिस्टम भी बता देंगे आपको. तो अभी लिखा देते हैं, क्वेश्चन में आ गया तो लिखा देते हैं, बाकी लिम्फेटिक सिस्टम बता देंगे. सो द कंपोनेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन बीइंग आर ब्लड एंड लिव. द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम आर ब्लड एंड लिम्फ. द फंक्शन ऑफ ब्लड एंड लिम्फ, इनका क्या क्या काम है पूछा गया है. व्हाट आर देयर फंक्शंस. सो आरबीसी, अब देखो फंक्शन ऑफ ब्लड सभी कंपोनेंट्स का अलग अलग काम है. तो आरबीसी कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू ऑल सेल ऑफ बॉडी. ब्लड प्लाज्मा, प्लाज्मा क्या क्या कैरी करता है. प्लाज्मा कैरी न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इंटेस्टाइन टू ऑल सेल ऑफ बॉडी. To all cells of body. And इसके अलावा ये सारा काम है प्लस, ठीक है. डब्ल्यू बी सी क्या करता है. डब्ल्यू बी सी हाँ बोलो. तो कंपोनेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसमें क्या लिखा है. व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ दिस. नाउ एक मिनट रुको. एक पार्ट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक कंपोनेंट. सो व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम. According to the Dantu, there are three main components of the transport system in human beings: heart, circulating blood, and blood vessels. ठीक है, what are the functions of component? Heart का भी लिखना पड़ेगा, सबका भी लिखना पड़ेगा, ठीक है. तो what are the components of transportation system? इसमें आपको transportation system में heart के बारे में भी लिखना पड़ेगा. So द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आर, अब यहाँ पर आप लिख लीजिए हार्ट और ब्लड वेसल्स, ठीक है, और इसके अलावा ब्लड एंड लिम्फेटिक सिस्टम. लिम्फेटिक सिस्टम में क्या आ जाएगा. लिम्फ, लिम्फोसाइट और उसके अलावा लिम्फोसाइट
एंड नेक्स्ट इज लिम्फ नोड्स और लिम्फ वेसल्स. लिम्फ नोड्स, लिम्फ वेसल ये भी दिखा देंगे आपको वीडियो कि किस तरीके से काम करता है. देखो कैपिलरीज का मतलब है लिम्फ वेसल, तो लिम्फोसाइट उसे लिम्फ वेसल ही कहते हैं. अच्छा फंक्शन ऑफ ब्लड क्या हो गया, आरबीसी ये करते हैं, डब्ल्यूबीसी किल्स पैथोजन, और क्या करते हैं प्लेटलेट्स क्लॉट्स द ब्लड, प्लेटलेट्स क्लॉट ब्लड. हार्ट क्या करेगा, हार्ट इट पंप्स एंड एग्जर्ट प्रेशर सो दैट ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू आउट बॉडी अंडर प्रेशर. अंडर प्रेशर. इसके अलावा ब्लड वेसल्स क्या करेंगी, ब्लड वेसल्स दे कैरी ब्लड, ठीक है. इट इज ए नेटवर्क थ्रू आउट द बॉडी, इट हैज एक्सटेंसिव नेटवर्क. थ्रू आउट बॉडी and access to each cell and has इसमें इनका access है to each cell. They carry blood. Blood from heart to different body parts, different cells. And bring back it to heart. ये काम है. अब हम लोग देखेंगे lymphatic system का function. Lymphatic system के बारे में जानेंगे भी और इसका function भी देखेंगे. Now इसके लिए सबसे पहले एक video देख लें lymphatic system का, उसी से समझ भी लेंगे. लिम्फेटिक सिस्टम, अभी आएगी. To Anatomy and Physiology on Catalyst University. My name is Kevin Tokoff. Please make sure to like this video, and then if they do cover it, they kind of gloss. In fact, one of those. So what is lymph? Lymph is the fluid that's transported in lymphatic vessels. Now, lymphatic vessels, which we'll talk about in a little more detail in later videos, are very similar. So, lymphatic system. क्या चीज होती है, तो यहाँ पर आप देखिए लिम्फेटिक सिस्टम में क्या क्या दिखाया गया है पूरी बॉडी में. सो इन लिम्फेटिक सिस्टम इट हैज बीन शोन कि जगह जगह पर ये देखो लिम्फ नोड्स हैं जहाँ पर लिम्फोसाइट बन रहे हैं. लिम्फ नोड्स दिख रहे हैं और तो और थोड़ा बड़ा करके देखें, ये डॉट डॉट स्ट्रक्चर दिख रहा है. सो ये सब क्या चीज है, देखो यहाँ लिखा है This is lymph nodes. Lymph nodes का मतलब यहाँ पर क्या चीज बन रही होगी, यहाँ पर lymphocyte बन रहे होंगे. क्या lymphocytes भी एक तरीके के WBC हैं, जो हमारी बॉडी में से fractured या ruptured cell को हटाते हैं. So this is the complete body diagram, जिसमें बहुत जगह यहाँ यहाँ बहुत सारे lymph nodes हैं, यहाँ यहाँ lymph nodes हैं.
ठीक है, और ये सारी चीज़ें, ये हमारी बॉडी में स्प्लीन है, प्लीहा, तो ये भी बहुत सारा ऐसा मटेरियल बनाती है जो बैक्टीरियोफेज है, बैक्टीरियो को किल कर देता है, या पैथोजेनिक है जो कि रोग कारक कीटाणुओं को मार देता है। अदरवाइज दिस इज ए लिम्फेटिक सिस्टम, इट्स वन एंड इज ओपन, इसका जो एक एंड होगा जहाँ पे खत्म होगी, क्या वो खुली हुई होगी, ओपन एंडेड होगी, जबकि ब्लड वेसल क्लोज एंडेड होगी, क्योंकि इसे कलेक्ट करना है ना, तो अब कहीं से अगर ब्लड आएगा तो एक साइड खुली होनी चाहिए ना कि उसके अंदर कलेक्ट हो। तो ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है ये किस तरीके का होगा, ये ऐसा ओपन एंडेड होगा, ये देखो, सो दिस विल बी लाइक ऐसा होगा। नाउ ये बिल्कुल इस तरीके से, और इसमें क्या बहुत सारे वॉल्व लगे होंगे कि एक बार कलेक्ट हो जाए तो लौटने ना पाए। तो ये इसके आसपास से कौन गुजर रहा होगा, इसके आसपास से क्या जो ब्लड वेसल्स गुजर रही होंगी, और ब्लड वेसल्स में क्या बहुत सारे पोर्स होंगे जिसमें से वो बहुत सारा मटेरियल बाहर फेंक देगी, और उस मटेरियल्स को कौन कलेक्ट करेगा, क्या इसके थ्रू होके जाएंगे, ये लिम्फ, ये क्या है, क्या ये लिम्फ वेसल है, और ये जो है स्लब सबक्लेवियन वेन हार्ट में जाके खुल जाएगी। सो लेट अस सी द लिम्फेटिक सिस्टम अब कैसे काम करता है। What is lymph? Lymph is the fluid that's transported in lymphatic vessels. Now, lymphatic vessels, which we'll talk about in a little more detail in later videos, are very similar to arteries and veins, except they don't carry blood. So all of these green, even though they're not in blood vessel physiology. When you go of the lymphatic system, such as the spleen, some others later, for this T-cell maturation in children and infants. Just hold. Lymphatic system. To the cells. This plasma becomes tissue fluid and surrounds vessels that branch all around our body. But whereas arteries and veins allow blood circulation, the lymphatic system is made up of millions of little vessels that branch all around our body. But whereas arteries and veins carry blood, the lymphatic vessels are much, much finer and carry a colorless fluid called lymph. Our lymphatic system has three main duties. 1. It contains white blood cells called lymphocytes, which are used to fight infection. 2. It acts as a one-way drainage system, transporting fluid from body tissues into the blood circulation. 3. It gets rid of waste products produced by cells. As blood circulates the body, plasma leaves the blood vessels and travels into the body tissues, delivering food, oxygen, and hormones to the cells. This plasma becomes tissue fluid and surrounds all our body's tissues. It then collects waste products, excess water, and toxins from the cells. 90% of this fluid passes back into the blood circulation. However, 10% of the fluid is left behind and is known as lymph. We therefore need a system to drain this lymph fluid so that we don't end up as a swollen fluid-filled balloon. Hence, the lymphatic system. The lymph fluid drains into lymph vessels, where it then travels to lymph nodes, which are found all around your body.
To stop backflow, the lymph vessels have one-way valves and muscular walls that contract to force the lymph forward. This is happening in millions of little lymphatic vessels in your body every minute of every day. The lymph nodes filter the lymph, destroying or trapping anything harmful. The lymph nodes contain white blood cells called lymphocytes, which attack and break down bacteria, viruses, damaged cells, or cancer cells. This filtering and destroying is an important part of our immune system and stops nasty substances being fed back into our bloodstream, which would make us sick. The waste products and destroyed bacteria are then carried in the lymph fluid through larger lymph vessels up to your neck, where the thoracic duct empties the lymph back into the blood circulation. The bloodstream then removes the waste products from the body, as it does with other waste. As well as the lymph fluid, our lymphatic system also includes a few organs. The spleen, thymus, tonsils, and... तो हम लोग अब लिम्फ के बारे में समझ लेंगे कि लिम्फ क्या क्या करता है. ओके, सो वॉट एवर इज रिटन इन बुक उसको भी देख लेंगे और लिम्फ के बारे में समझ लेंगे. तो लिम्फेटिक सिस्टम भी हमारी बॉडी का एक सिस्टम है. नाउ आप देखिए आपकी बुक में क्या क्या लिखा है लिम्फ के बारे में. तो देयर इज अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड विच ऑल्सो हेल्प इन लिम्फेटिक सिस्टम को पढ़िए बुक में विच हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन. दिस इज कॉल्ड लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड. Through the pores present in walls of capillaries, some amount of plasma. ये कितने amount of plasma है? क्या ये 10% है? अभी आपने वीडियो में देखा, जो कि बाहर रह जाता है सेल के बाहर, extra cellular. बोलिए. So इसको कौन absorb करता है? Some amount of plasma comes out, protein and blood cell escape into intercellular space. वो सेल के बीच बीच में रह जाता है. सो इंटर सेलुलर स्पेस के बीच में रह जाता है. ठीक है, इट इज ए कलरलेस एंड कंटेन, ये क्या है, वेरी लेस प्रोटीन. सो लिम्फ क्या करेगा, लिम्फ ड्रेन्स इनटू लिम्फेटिक कैपिलरीज. यही जो लिम्फ है, ये जो प्लाज्मा है, जो कलरलेस प्लाज्मा विच इज प्रेजेंट इन एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस इज कॉल्ड लिम्फ. सो द कलरलेस प्लाज्मा विच कंटेन्स वेरी लेस न्यूट्रिएंट्स, कंटेन्स वेरी लेस न्यूट्रिएंट्स एंड प्रेजेंट इन, और कहां प्रेजेंट है, क्या एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में प्रेजेंट है, सेल के बाहर, स्पेस इज कॉल्ड, उसे क्या कहेंगे, इट इज कॉल्ड लिम्फ. ठीक है, इट ड्रेन्स इनटू, ये किसमें ड्रेन करता है, ड्रेन्स इनटू लिम्फ वेसल्स एंड लिम्फ वेसल, फिर आगे जो पतली पतली वेसल हैं वो आगे मिलती हैं कहाँ पे, क्या लिम्फ नोड्स में मिलती हैं, फिर बहुत मोटी हो जाती हैं. तो ये लिम्फ कैपिलरीज हैं क्या? Yes, sir. और कि लिम्फ कैपिलरीज, फिर आपने डॉट डॉट देखे थे कि नहीं, जिसके अंदर एक सेल सा प्रेजेंट है जिसमें लिम्फोसाइट प्रेजेंट है. बोलिए. और ये क्या है, क्या लिम्फ नोड है, और लिम्फ नोड में क्या इनकी क्लीनिंग होगी और इनके जो हार्मफुल बैक्टीरिया वो मारे जाएंगे. सो इट ड्रेन्स, और इन सब में क्या होता है, क्या वॉल्व सिस्टम होगा. सो इट ड्रेन्स इनटू लिम्फ वेसल एंड गोज अप टू, कहां तक जाता है, लिम्फ नोड. एट लिम्फ नोड क्या प्रेजेंट रहता है, लिम्फोसाइट्स आर प्रेजेंट. वो कैसे होते हैं, क्या वो WBC होते हैं, आर प्रेजेंट विच क्लीन्स द लिम्फ. वो क्या करेंगे, क्लीन द लिम्फ. देन इट फर्दर पासेस,
is rooted to heart, ठीक है, heart via subclavian vein, subclavian vein, तो vein के द्वारा ये heart में चला जाता है। अब बताइए आप क्या कह रहे हैं, तो large lymph vessel फिर ये larger vein में खुलता है, lymph carries digested and absorbed fat from ये कहाँ से होगा, intestine, and drains excess fluid from extra cellular space back to the blood। जो excess fluid हमने आपको दिखाया नहीं, वो कहाँ, जो इन extra cellular space है, सेल के बाहर में क्या यहाँ पे लिक्विड भरा हुआ है, excess fluid है, क्या उसको ड्रेन कर लेगा अपने अंदर, आपके घर में भी तो ड्रेनेज सिस्टम होगा, तो वो क्या पानी को ड्रेन कर लेता है, क्या आपके वॉशिंग मशीन में ड्रेनेज सिस्टम है, वो पानी बाहर फेंक देता है, तो इस तरीके से ये क्या करता है, इट ड्रेन्स द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड फ्रॉम सेल के बाहर, जो फ्लूइड है उसे क्या कहते हैं, क्या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, सेल के बाहर के फ्लूइड को, और उसको कौन ड्रेन कर रहा है, क्या लिम्फ वेसल ड्रेन कर रही है, साथ ही साथ में जो बड़े बड़े फैट मॉलिक्यूल हैं जिन्हें ब्लड नहीं ले जा सकता है, उनको भी कौन कैरी कर रहा है, क्या लिम्फेटिक सिस्टम, बताइए, फैटी एसिड्स को तो ब्लड नहीं ले जा सकता है, वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो उनको कौन ले जाता है हार्ट तक, सो इट लिम्फेटिक सिस्टम द डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट को इंटेस्टाइनल साइड से ये ले जाता है, तो ये भी इसका एक काम है। हाँ बोलिए सर, ये वेसल, ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है, वेन से अलग होता है, लिम्फेटिक सिस्टम क्या अलग होता है, इस जो ये हार्ट तक पहुंचाता है फैट वगैरह, ये भी वेन से नहीं पहुंचाता है, वेन से नहीं पहुंचाता, ये सबक्लेवियन वेन है, इट इज सबक्लेवियन वेन जो इनको पहुंचाती है, तो लिम्फेटिक सिस्टम हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से अलग है, वो क्लोज्ड सिस्टम है, इट इज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, तो इसमें ये इस ऐसी ट्यूब्स हैं जो हार्ट से तो निकलती हैं लेकिन आगे चल के ओपन हो जाती, जैसे ये हार्ट है ना, तो हार्ट से ये निकली सबक्लेवियन वेन और आगे चल के ये इसमें बहुत सारे लिम्फ नोड बन गए और ये आगे चल के ओपन हो गए, ये क्लोज नहीं होती, ये वापस नहीं आती हार्ट तक, तो ये कैसा सिस्टम है लिम्फेटिक सिस्टम, बताओ, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, ओपन सर्कुलेटरी, पूरा लूप थोड़ी ना बन रहा है, क्या आर्टरी भी है इसमें, क्या सिस्टम, एंड इट रूट्स लिम्फ फ्रॉम बॉडी टू हार्ट, नॉट फ्रॉम बॉडी टू डिफरेंट पार्ट्स, इसका रूटिंग कैसा है, इसका रूट अलग है, तो लिम्फेटिक सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम में कुछ अंतर है, क्या क्या अंतर है, और सर्कुलेटरी सिस्टम इट ट्रांसपोर्ट्स डाइजेस्टेड फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन टू हार्ट और इट ट्रांसपोर्ट्स, ये क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है, दैट इज अदर न्यूट्रिएंट्स जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन बिना लिखें इसको क्या लिखेंगे, क्या एमिनो एसिड, और कार्बोहाइड्रेट, वाटर, salts, minerals, to up to heart, फिर पूरे body part में, अच्छा, it is, ये क्या है, open circulatory system, its tubes are open ended, इसकी tubes कैसी होती हैं, देखो open ended हैं, ये कहीं बंद हुई हैं क्या, इन्हें तो collect करना है ना,
इट्स ट्यूब्स आर ओपन एंडेड. अगर हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ओपन एंडेड हो, क्या पूरा खून भर जाए शरीर में, क्या वो खतरनाक नहीं होगा? तो इट इज क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम. तो ठीक है, इसमें क्या होता है, इट ओनली कैरीज प्लाज्मा. इसमें क्या चीज है, इट ओनली ट्रांसपोर्ट कलरलेस प्लाज्मा, जिसको कि लिम्फ कहते हैं, और इट ट्रांसपोर्ट्स ये प्लाज्मा आरबीसी डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स. फर्क समझ में आ गया, प्लेटलेट्स की दोनों में क्या फर्क है? ठीक है, सो लिम्फेटिक सिस्टम और ट्रांसपोर्ट सर्कुलेटरी सिस्टम का अंतर समझ लिया, इतना ही रखिए आज के. बोलो सर, इसमें एक और लिखा है लाइन की प्लाज्मा प्रोटीन और ब्लड सेल्स को भी जो एस्केप हो जाती है सर, उन सब को भी ले जाएगा. जो भी चीज बाहर निकल गई, तो जो एस्केप हो गई, मान लो अगर मान लीजिए कि ब्लड ने सब सेल से कहा कि प्रोटीन ले लो और ये ले लो, लेकिन किसी ने नहीं लिया, तो क्या ब्लड वो वापस ले जाएगा कि फेंक देगा बाहर? फेंक देगा. और उसको ले जाने की जिम्मेदारी अब किसकी है? लिम्फ की. जिस सब्जी वाले की सब्जी नहीं बिक रही, वो गिरा देगा कहीं किनारे, सड़ जाएगी. तो इस तरीके से ब्लड कैरी नहीं करता है. अगर सेल की खुराक पूरी हमारी बॉडी ने काम नहीं किया, तो एक्सेस प्रोटीन अमीनो एसिड ब्लड लीव इट आउटसाइड द सेल. और ब्लड सिर्फ यही नहीं है, बाहर जो जो भी चीज फेंकेगा अपने पोर से, उन सब को कौन कलेक्ट करेगा? कई चीजें रीअब्सॉर्ब हो जाती हैं, ब्लड में रीअब्सॉर्ब भी कर लेगा कभी कभी. 90% तो रीअब्सॉर्ब कर लेगा, लेकिन जो 10% छूट जाती है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, सेल के बाहर का फ्लूइड, उसे कौन एब्जॉर्ब करेगा? उसको लिम्फेटिक सिस्टम एब्जॉर्ब करेगा. और उसको कहाँ ड्रेन करेगा? ये ड्रेनेज पाइप कहाँ जा रहा है? हार्ट पे जा रहा है क्या? तुम्हारे यहाँ का वॉशिंग मशीन का पानी कहीं ना कहीं तो ड्रेन होता होगा. तो ये जो सेल के बाहर एक्स्ट्रा फ्लूइड है, 90% तो इसने एब्जॉर्ब कर लिया, और जो बाकी 10% है उसको किसने लिया? लिम्फेटिक सिस्टम. क्या ये एक ड्रेनेज सिस्टम है जो इस बचे हुए फ्लूइड को कहीं ले जाके गिरा देगा? और कहाँ गिराएगा? हार्ट में. तो क्या ये सिर्फ प्लाज्मा को लेगा कि प्लाज्मा में सॉल्युबल प्रोटीन को भी गिरा देगा? चुनाव थोड़ी ना करेगा, ये तो ओपन एंडेड है, जो भी चीज इसके अंदर आएगी सब चली जाएगी. बोलो समझ में आई बात? ओके, इतना ही रखो. थैंक यू. ओके, वेलकम. वेलकम बेटा.